पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण को लेकर विद्युत कर्मचारी संघर्ष मोर्चा द्वारा 5 अक्टूबर से किए जाने वाले कार्य बहिष्कार की चेतावनी को देखते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव आर के तिवारी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। गोरखपुर के NIC सभागार में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंडल उज्जैन नालिकर DIG रेंज राजेश डी मोदक प्रभारी जिलाधिकारी व CDO इंद्रजीत सिंह ADM फाइनेंस राजेश कुमार सिंह अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी SP क्राइम अशोक कुमार वर्मा मुख्य अभियंता विद्युत वितरण देवेंद्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कहा कि निजीकरण के विरोध में विद्युत संगठन का आंदोलन अभी भी जारी है जो बृहद रूप ले सकता है। इसको देखते हुए सरकार ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं जिससे कि विद्युत आपूर्ति में कोई बाधा न उत्पन्न होने पाए। मुख्य सचिव आर.के. तिवारी ने कहा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का फैसला सरकार के वहां प्रस्तावित है जिसको देखते हुए कभी भी कोई निर्णय आ सकता है। इस हालात में उत्पन्न होने वाली स्थिति के लिए निपटने के लिए सभी विभाग अभी से अपनी तैयारियां पूरी कर लें जिससे आम नागरिकों को विद्युत आपूर्ति में कोई बाधा ना उत्पन्न होने पाए। आपको निर्देश दिए गए थे पिछले दो दिनों में जिलाधिकारियों ने और वरिष्ठ अधिकारियों ने बातचीत की होगी। तीन दिनों में ज्यादा कहनी थी वो मैं दोहराने की आवश्यकता नहीं है। वो आपको एक अच्छी माध्यम से बता जा चुके हैं और बोले पहले जो मिशिंग भी थी उसमें हमारे मुख्य सचिव पूजा ने एक स्टाफ को बताया था। हमारा उद्देश्य यह है कि किसी भी प्रकार से कोई भी डिस्ट्रक्शन ना हो, कोई भी सेंसिटिव इंस्टॉलेशन जिसमें अफेक्टेड ना हो, उनकी तरफ से चीज में सब कोई लिखित कमिटमेंट आया है और जन समाज को कोई यूनियन की तरफ से जाना कोई ऐसा नहीं करेंगे। नहीं, ये भी बात की हुई है। इंस्टॉलेशन है 401 मॉड्यूल स्टेशन है 132 चल रहा है। ये तो पावर ग्रिड के जो भी था उसको यस हमारे हमारा दूसरा ऑपरेशन पार्ट इसमें सब ये प्राइवेट लोग रहते हैं इनसे बात होती है इनकी ऑपरेशन से बोले तो चलिए जाए चेक मतलब मुझे भी मिलेगा और वन ऑपरेशन से सभी बात कितनी टेक्निकल मैन पावर की आवश्यकता है। एक वायरलेस का सब्सिट्यूशन और सिग्नल की व्यवस्था आपने ऑल्टरनेट में कर ली उनके नाम पते और फोन नंबर ये आपका प्रश्न है ताकि शॉर्ट नोटिस पे तुरंत उनको बुलाया जा सके। मैं और कोई फर्दर समय लिए अपने आप को से जो ऊर्जा से अनुरोध करूंगा कि संक्षेप में जो पिछले दो दिनों में डेवलपमेंट खास खास हुए हैं वो आपको बता दें। कर्मचारी संघ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को हमने कल बुलाया था। बेसिकली लोगों की ये चिंता है कि सब प्राइवेटाइजेशन ना हो, तो हमारा इनके सामने प्रस्ताव ये था कि हम प्राइवेटाइजेशन के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन अगर UPPCL अपना सेल्फ सस्टेनिंग नहीं हो पाएगा तो फिर हमारे को विकल्प तलाशने पड़ेंगे। अब वो ये है कि हमारे 7,50,000 करोड़ का टारगेट है, 60,000 हमने अपने एसईज और चीफ इंजीनियर्स के ग्रुप में डाला है, नए ग्राउंड मिल जाएगा। सो आइए टोल डैम की 50,000 करोड़ मेरे को साथ में टारगेट मैंने रखा था रिकवरी का और 7,000 करोड़ की मेरी पावर परचेज है। लगभग 55,000 करोड़ की हम लोग असेसमेंट करते हैं तो पावर बेचते हैं उसकी असेसमेंट लगभग 55,000 करोड़ की आती है। तो अगर मैं 90% के करीब अपनी कलेक्शन कर पाऊँ तो मैं 50,000 करोड़ रिकवर कर पाऊँगा और अभी तक मैं 18,000 करोड़ कर पाया हूँ। 32,000 करोड़ जो है वो मुझे और चाहिए बैलेंस 6 महीने में। सो दैट मीन लगभग 5,400 ऊपर का भागीदार है, 10,000 के ऊपर का भागीदार है, जिसने 3 महीने से बिल पे नहीं किया, जिसने 6 महीने से नहीं किया। सो सारी डिटेल्स हमने डैशबोर्ड पे डाल दी हैं और ये अवेलेबल है। पिछले 3-4 महीने से डैशबोर्ड को हमने एक्टिव कर रखा है, इसके आधार पर भी हो रहा है और प्रगति आनी चाहिए वो नहीं आ रही। एक एक सबस्टेशन पे इतना एम्प्लॉई काम कर रहा है हमारा कि अगर एक एक एम्प्लॉई 15-15, 20 भी नए आदमियों से बहुत बिल की वसूली करके लाए और उनको सही बिल करके दे तो हम अपनी आय को ये 50,000 करोड़ तक बड़े आराम से पहुँचा सकते हैं। ऑलरेडी अभी जो हमारी सितंबर में रिकवरी थी वो 4,000 करोड़ की
जिसको मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ उसको बढ़ा करके हमें हर महीने 5,400 करोड़ लेकर के जाना है। सो दे आर नॉट विलिंग टू गिव एनी कमिटमेंट। आई टोल्ड देम कि प्राइवेटाइजेशन कोई हमारी बाध्यता नहीं है, प्रतिबद्धता नहीं है, लेकिन वो बाध्यता इसलिए बनती है क्योंकि सेल्फ सस्टेनिंग नहीं हो पा रहा है। ऑफर बनेगा उसमें हमने ये भी ऑफर किया कि जो कर्मचारियों के होते हैं उनके बारे में कर्मचारी को हम कंसल्ट करेंगे, उनको डॉक्यूमेंट देंगे, वो अपनी उनकी टर्म एंड कंडीशन उनकी प्रोटेक्टिव रहेंगे, उनके सुरक्षित रहेंगे और वो उसके बारे में कोई भी टीका टिप्पणी करना चाहेंगे तो वो कर सकते हैं। उनके सजेशन को हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे डॉक्यूमेंट में और उनकी सहमति के आधार पर। लेकिन अगर मेरे से ये कहा जाए कि आप प्राइवेटाइजेशन भी मत करिए और हम कमिटमेंट भी नहीं देते कोई तो ये संभव नहीं हो पाएगा। और टेंडर अगर हम निकालते हैं तो अगर मेरे को 31 मार्च तक प्रोग्रेस दी जाती है कि नहीं हमारे लोगों ने सुधार कर दिया है तो वो टेंडर तो मैं कभी भी कैंसिल कर सकता हूँ। क्या प्राइवेटाइजेशन के बारे में सोचे भी नहीं, विकल्प के बारे में सोचे भी नहीं और हम भी कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, हम भी सुधारेंगे नहीं तो ये चीज़ सरकार बर्दाश्त नहीं कर पाएगी क्योंकि सरकार के सामने हम 3 महीने बाद जा करके नहीं खड़े हो सकते कि साहब मुझे 20,000 करोड़ रुपया आप दे दीजिए क्योंकि मैं ये पेशेंट हूँ, क्योंकि मैं बिलों की वसूली नहीं कर पा रहा। अगर मेरा असेसमेंट 55,000 करोड़ है तो 50,000 करोड़ रुपये मुझे वसूली करनी ही चाहिए। मैं गवर्नमेंट के ऊपर ये नहीं ला सकता हूँ तो दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग देम। अभी उनसे आज मैंने एक डिस्कशन रखा है या जैसा भी सब निर्देशित करेंगे उसके माध्यम से फिर हम आगे डिस्कशन करेंगे।